दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिंग डॉक्टर ऑफिशियल में। तो दोस्तों आज है 25 जनवरी मंडे और आज होने वाली दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड एनटीए के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं इनके बीच एक मीटिंग होने वाली है और जो मीटिंग होगी उसका एजेंडा रहेगा नीट 2021। इसमें दो एजेंडे रहेंगे दोस्तों आज की मीटिंग के, कि पहला तो ये है कि दोस्तों नीट 2021 को ट्वाइस ईयर कंडक्ट किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, इस पर ये जो है मीटिंग करेंगे। सेकेंड जो मीटिंग का एजेंडा रहेगा दोस्तों वो ये रहेगा कि जो नीट पेन एंड पेपर मोड से होता है उसे जो है ऑनलाइन में शिफ्ट किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, यानी CBT जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना चाहिए उसके थ्रू जो है नीट कंडक्ट किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता है जेई मेन जो है वो भी CBT के थ्रू ही ऑनलाइन कंडक्ट किया जाता है ना, तो इस पर क्या जो पॉसिबिलिटीज़ है और क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहेंगे इसके, उस पर ये चर्चा करेंगे ये ऑफिशियल्स। तो हो सकता है दोस्तों आज शाम तक कुछ हमें अपडेट मिलने देखने को मिल जाए, तो जो भी जो है लेटेस्ट अपडेट आपका इस रिगार्डिंग आएगा नीट 2021 के रिगार्डिंग तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। आप जो है हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल दोस्तों जो है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या आपको लगता है कि इसे जो है ऑनलाइन किया जाना चाहिए नीट को, और क्या ट्वाइस ईयर कंडक्ट किया जाना चाहिए, आप क्या मानते हैं दोस्तों, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। फिलहाल दोस्तों मुझे जो लगता है आपको बता दूँ, अगर इसे ऑनलाइन कंडक्ट करते हैं तो दोस्तों यार जो पेपर लीक वगैरह की जो पॉसिबिलिटीज़ होती थी, मतलब क्योंकि आप सभी को पता है कि ऑफलाइन जो कंडक्ट होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स होते हैं ऑल ओवर इंडिया, वहाँ पर पेपर्स को ट्रांसफ़र करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के दौरान। हो सकता है कुछ दोस्तों कुछ खामियों के कारण जो है पेपर लीक जैसी घटनाएँ भी हो जाती थी, ठीक है। हाईली वैसे तो मतलब ध्यान रखा जाता है, लेकिन फिर भी जो है दोस्तों कई सारे ऐसे जो एग्जांपल्स जो है आपको देखने को मिलते हैं कई सारे एग्ज़ाम्स में कि पेपर लीक हो गया इस एग्ज़ाम में, ठीक है, और फिर जो है वो फिर से कंडक्ट किया जाता है फिर एग्ज़ाम। इस ऐसे में क्या दोस्तों स्टूडेंट्स का भी टाइम वेस्ट होता है, साथ ही जो दोस्तों जो है एडमिशन और सेशन वगैरह में भी लेट होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं दोस्तों अभी तक नीट 2021 की डेट भी अनाउंस नहीं हुई है और जो है फॉर्म्स भी जो है अभी फिलिंग डेट भी स्टार्ट नहीं हुई है। तो ऐसे में दोस्तों जो है काफ़ी जो है इसमें जो है पॉसिबिलिटीज़ है ऑनलाइन मोड कंडक्ट करे जाने की, और जो है काफ़ी अच्छा भी हो जाएगा आपके लिए। लेकिन फिलहाल दोस्तों कई सारी इसकी जो है खामियां भी रहती है ऑनलाइन की, जैसे कि कई जगह जो है नेटवर्क प्रॉब्लम वगैरह, सर्वर डाउन भी हो सकता है, इस कारण से भी जो है कंडक्ट किया जाना जो है थोड़ा बहुत हो सकता है इनके लिए पॉसिबल ना हो पाए। फिलहाल दोस्तों क्या डिसीजन लेते हैं तो शाम को पता चल जाएगा। और जो दोस्तों बात रही कि ट्वाइस ईयर की, तो ट्वाइस ईयर का बेनिफिट बिल्कुल है, ठीक है ना। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं दोस्तों जो मात्र एक दिन के कारण किसी भी कारणवश जो है वो एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं, ठीक है ना, किसी भी कारणवश वो जो है अपीयर नहीं हो पाते हैं, ऐसे में उनको दोस्तों पूरा एक साल फिर से प्रिपेयर करना पड़ता है ना। अब जो है ट्वाइस ईयर हो जाने के कारण क्या होता है उनके पास एक और मौका हो सकेगा फिर से अपीयर होने का, तो ऐसे काफ़ी सारे जो इसके बेनिफिट्स भी हैं। फिलहाल दोस्तों देखते हैं क्या गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ठीक है, आज इस मीटिंग में क्या फैसला होता है, आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं आपका क्या ओपिनियन है। फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।